हाय गाइस, आई एम निशांत, वेलकम बैक टू द चैनल। सर, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अमेजोन के सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में। हमने रिसेंटली एक वीडियो बनाई थी एप्पल वाली, और उस पर काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया था। काफ़ी सारे लोगों ने अलग अलग कंपनीज का नाम भी लिखा हुआ था कि ऊबर का कर दो, एटलाशियन का कर दो, तुम अमेजोन का कर दो। तो आज अमेजोन का करते हैं, धीरे धीरे और सबका भी करते रहेंगे, क्योंकि इसमें जो रिसर्च में ना काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, काफ़ी सारे आर्टिकल्स पढ़ने पड़ते हैं, काफ़ी सारी वेबसाइट्स पर जाकर चेक करना पड़ता है, फिर एवरेज आउट करना पड़ता है। अच्छा, ये तो हम इसमें लोअर और अपर दो चीज़ें बता देंगे कि इस रेंज में तुम्हें मिल रही होती है, एंड दोनों का पर मंथ भी कैलकुलेट करके तुम्हें बता दूंगा। इसके अलावा RSUs वगैरह कितने मिल रहे हैं तुम्हें, ज्वाइनिंग बोनस वगैरह कितना मिलता है, एंड जो ये टर्म्स हैं वो साथ साथ एक्सप्लेन करता रहूँगा कि एग्जैक्टली क्या सीन है। अब सबसे पहले CTC जो होता है वो तुम्हारा डिवाइडेड बाई 12 करके बेस सैलरी नहीं होती है, मतलब फाइनल जो तुम्हारे बैंक अकाउंट में सैलरी आने वाली है वो नहीं होती है। अगर तुम अभी भी ये सोचते हो कि वही होता है तो प्लीज़ ये ऐसा नहीं है सीन, तो ध्यान रखना, ठीक है। अब आगे बढ़ के तुम्हें बताता हूँ कि कैसे कैसे सारी चीज़ें होती हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं SD1 की। फ्रेश आउट ऑफ कॉलेज, अगर तुम किसी भी कॉलेज में हो, तुम्हें वहाँ से ऑफ कैंपस या ऑन कैंपस एक ऑफर मिलता है अमेजोन का, तो तुम्हें कितनी सैलरी मिल रही होगी। दिस इज़ द डेटा फ्रॉम लास्ट ईयर, जो 2022 में जिन्होंने ज्वाइन किया अमेजोन। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि नेक्स्ट ईयर ये सारे जो डेटा पॉइंट्स हैं वो और इंक्रीज़ हो जाएं, क्योंकि जो SD1 की सैलरी है इन जनरल, उनका पूरा बैंड चेंज कर दिया है अमेजोन में करेंटली। तो दिस इज़ पॉसिबल कि ये और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाए, तो पहले बता रहा हूँ, ठीक है। अब तुम्हें यहाँ पे बेस सैलरी मिल रही होती है 15.5 लाख रुपीज़। अब बेस सैलरी क्या होती है, सबसे पहले वो समझा देता हूँ। बेस सैलरी वो होती है जिसका डिवाइडेड बाई 12 तुम्हारा पर मंथ बैंक अकाउंट में आ रहा होगा आफ्टर टैक्सेस, ठीक है। तो 15.5 लाख रुपीज़ डिवाइड बाई 12 तुम्हारा आ रहा होगा पर मंथ तुम्हारे अकाउंट में। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो तुम्हें मिलती है वो मिलता है ज्वाइनिंग बोनस। फर्स्ट ईयर में यहाँ पे ज्वाइनिंग बोनस मिलता है 9.5 लाख रुपीज़, एंड नेक्स्ट ईयर तुम्हें मिलता है 6 लाख रुपीज़ ज्वाइनिंग बोनस। अब अमेजोन में जो ज्वाइनिंग बोनस होता है वो तुम्हारी सैलरी के साथ ही अकाउंट में क्रेडिट हो रहा होता है, तो 9.5 लाख रुपीज़ तुम्हें एकदम नहीं मिलेंगे, तुम्हें पर मंथ मिल रहे होंगे, डिवाइड बाई 12 हो जाएगा 9.5, एंड तुम्हें हर मंथ तुम्हारी बेस सैलरी के साथ ही ऐड होकर मिल रहे होंगे। तो जो फाइनली तुम्हारे अकाउंट में सैलरी आ रही होगी ज्वाइनिंग बोनस प्लस तुम्हारा बेस सैलरी, दैट वुड बी अराउंड 2 लाख रुपीज़, ठीक है। तो बोनस बहुत ज़्यादा दे रही है ज्वाइनिंग बोनस अमेजोन, क्योंकि जो बेस सैलरी है वो जो जब तुम एक्सपीरियंस के बाद ज्वाइन करते हो, जिन्होंने लास्ट ईयर ज्वाइन किया था उन सबका चेंज हो चुका है, एंड अराउंड 20-21 लाख के अराउंड सबका बेस सैलरी वाला कंपोनेंट हो चुका है फॉर SD1। इसके बाद मैंने ये देखा काफ़ी सारी वेबसाइट्स पे, काफ़ी सारी जगह पे, कि जो तुम्हारी बेस सैलरी है वो तुम्हें 28 लाख तक भी मिल रही है, बट वहाँ पे ज्वाइनिंग बोनस को कम कर देते हैं, तो तुम्हारा जो ज्वाइनिंग बोनस है फर्स्ट ईयर का 4 लाख रुपीज़ है, जो सेकंड ईयर का तुम्हारा ज्वाइनिंग बोनस है वो तुम्हारा 3.5 लाख रुपीज़ है। तो इससे जो तुम्हारा ओवरऑल फाइनल अमाउंट जो तुम्हारे अकाउंट में आ रहा होगा वो तुम्हारा 2.8 लाख के अराउंड हो जाता है। दिस इज आफ्टर एक्सपीरियंस, ये फ्रेशर की सैलरी नहीं है, एक्सपीरियंस के बाद की सैलरी है, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। तो इसके अलावा जो लास्ट कंपोनेंट होता है वो तुम्हारा होता है RSUs, विच आर रिस्ट्रिक्टेड स्टॉक यूनिट्स। रिस्ट्रिक्टेड स्टॉक यूनिट्स क्या होते हैं, तुम्हें स्टॉक्स मिल रहे होते हैं कंपनी के, बट यहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड क्यों है, क्योंकि तुम उसे एक बारी में सेल नहीं कर सकते, एंड तुम्हें कुछ कुछ परसेंटेज तुम्हारी वेस्ट हो रही होती है। वेस्ट का मतलब तुम्हें इतना परसेंट ऑफ द स्टॉक जो तुम्हें मिले थे वो तुम अब सेल कर सकते हो, ठीक है। जो वेस्टिंग टाइम होता है, वेस्टिंग पीरियड होता है जनरली, वो 4 साल का होता है। अमेजोन में जो स्टॉक स्प्लिट है वो बहुत ज़्यादा वियर्ड तरीके से किया हुआ है। सो फर्स्ट ईयर में यू ओनली गेट 5%, नेक्स्ट ईयर में 15%, एंड लास्ट 2 साल में तुम्हें 40-40% मिलता है। तो एक तरीके से तुम्हें रोकने के लिए स्कीम है कि तुम 2 साल से पहले अमेजोन छोड़ो ही ना। तो जो स्टॉक्स तुम्हें फ्रेशर्स को मिलते हैं वो 143 स्टॉक्स मिल रहे हैं, ठीक है। अब जो स्टॉक प्राइस है वो स्टॉक स्प्लिट के बाद अराउंड 1110 हो चुका है, $110। तो तुम बाकी अपने आप कैलकुलेट कर सकते हो, तो 5% ही तुम्हें इसका मिलेगा। तो फर्स्ट ईयर में इतना ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता, थर्ड ईयर में जाने के बाद इसका फर्क पड़ रहा होता है। एंड व्हेन यू गेट प्रमोटेड, तो तुम्हारे ये वाले स्टॉक्स होते हैं RSUs होते हैं, तुम्हें और मिलते हैं रिफ्रेशर्स के फॉर्म में, एंड तुम्हारा स्टॉक वाला कॉम्पोनेंट काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होता रहता है। जब तुम हम SD3 पर जाएंगे तो तुम देखना कितना ज़्यादा स्टॉक कॉम्पोनेंट है। तो अब चलते हैं SD2 की तरफ। तो यार, अपने चैनल पर भी एक गिव अवे चल रहा है जिसमें दो चीज़ें गिव अवे हो रही हैं, तुम्हें पता होगा, iPad एंड तुम्हारा सैमसंग का टैब। तो उसके लिए तुम्हें एक काफ़ी इंपॉर्टेंट जो स्टेप था वो था तुम्हें क्रायो की वेबसाइट पे जाके एक फ्री ट्रायल के लिए रजिस्टर करना है। काफ़ी सारे लोगों ने नहीं किया है वो, तो जाके डेफिनेटली वो ज़रूर कर देना, बिकॉज दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। उसकी ईमेल से मैं तुम्हें कॉन्टैक्ट कर रहा हूँ जो तुमने वहाँ पे ईमेल डाली होगी। इफ़ यू हैवंट ऑलरेडी बुक्ड योर फ्री ट्रायल, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में तुम्हें लिंक मिल जाएगा, जाके जरूर जल्दी से कर देना, ठीक है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तुम्हारा लिंक मैसेज है फ्रॉम टुडेज वीडियो स्पॉन्सर Cryo.do। अब Cryo.do क्या है यार, एक प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म है। तुम यहाँ पे प्रोजेक्ट करने से नई नई टेक्नोलॉजी सीख रहे होते हो। अब यार, क्रायो वर्ल्ड लीडिंग वर्क एक्सपीरियंस बेस्ड प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जो तुम्हें हेल्प करेगा फुल स्टैक एंड बैकएंड जॉब्स क्रैक करने में विद योर ड्रीम CTCs फ्रॉम 6-40 लाख रुपीज।
MNCs. Yet with 3,000 plus learners and 500 plus grads placed in global MNCs, unicorns and hyper growth startups like Amazon, Grow, Cred, Flipkart, Paytm, Cryo ke jo grads hain unko yaar एटलीस्ट 89% हाइक मिल रही होती है ऑन एन एवरेज. क्रायो में यार तुम एक डेवलपमेंट ऐसे एग्जैक्टली सीख रहे होगे जैसे तुम एक फुल टाइम जॉब के साथ कर रहे होते हो. ठीक है, अब तुम कोई भी एक जब स्टैक चूज करोगे चाहे फुल स्टैक हो या फिर बैकएंड डेवलपमेंट हो, उसके बाद तुम रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे होगे एंड रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स पे काम करने से तुम अपने स्किल्स को डेवलप कर रहे होगे एंड उसके बाद तुम्हारी प्लेसमेंट गारंटी भी है, तुम एक अच्छे स्टार्टअप में एक अच्छी कंपनी में प्लेस हो जाओगे. एंड यार एक अमेजिंग बात ये भी है कि तुम इस प्रोग्राम के खत्म होने के बाद तुम्हारे पास बहुत सारे अमेजिंग प्रोजेक्ट्स होंगे एंड यार प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा पसंद होते हैं रिक्रूटर्स को भी एंड तुम्हारी जो गिटहब प्रोफाइल है वो भी काफी ज्यादा अमेजिंग हो जाएगी. तो डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक है, तुम वहां पे जाकर अपना एक फ्री ट्रायल बुक कर सकते हो एंड उसके बाद अगर तुम्हें अच्छा लगे तो तुम एनरोल कर सकते हो क्रायो के किसी भी कोर्स में. सो अब बढ़ते आएंगे वीडियो की तरफ. अब नेक्स्ट हम आते हैं SGE2 पे. तो SGE2 बनने के बाद यहाँ पे जो सैलरी होती है भाई वो पूरी 100% हाइक होती है. अगर तुम 25 लाख पे हो तो तुम्हारा 50 लाख तक पहुंच जाएगा, अगर तुम 30 लाख पे हो तो तुम्हारा 60 लाख पे पहुंच जाएगा बेस सैलरी. ठीक है, तो ये यहाँ पे अमेजोन में बहुत सही सीन है SGE2 के लिए. बट SGE2 बनने में 2.5 से 3 साल लग जाता है, अगर तुम बहुत अच्छा काम करते हो तो 2 साल में भी बन सकते हो. बट जनरली जो एवरेज होता है वो 2.5 to 3 years वाला होता है ट्रेंड. अब यहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम की रेंज भी काफ़ी ज़्यादा है. तो जो मिनिमम मेरे को मिल रही थी दैट वॉज 33 लाख रुपीज़ एज बेस सैलरी. इसके अलावा तुम्हें मिल रहा था 18 लाख रुपये का ज्वाइनिंग बोनस एंड इसके बाद नेक्स्ट ईयर का ज्वाइनिंग बोनस था दैट इज 13 लाख रुपीज़. अब इसमें जो नेक्स्ट कॉम्पोनेंट है दैट इज योर RSUs, यहाँ पे तुम्हें अराउंड 28 लाख के RSUs मिलते हैं. यहाँ पे भी सेम सीन है SGE1 वाला, तुम्हें 5-15-40-40 वाला ही रेशियो में मिल रहे होते हैं स्टॉक्स. एंड इसके बाद जो इसका अपर बैंड है ठीक है SGE2 का जो बेस सैलरी वो तुम्हारी 51 लाख रुपीज तक जाती है, तुम्हें जॉइनिंग बोनस 20 लाख तक मिल सकता है, तुम्हें अगले साल का जॉइनिंग बोनस अराउंड 15 लाख रुपीज मिल सकता है. ठीक है, इसके अलावा जो तुम्हारे RSUs है उनकी वैल्यू भी 47-48 लाख रुपीज तक जा सकती है. तो तुम देखोगे बहुत ज्यादा वेरिएशन है, इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ इयर्स यू हैव वर्कड, तुम्हारे इंटरव्यू राउंड कैसे गए थे, तुम्हारे पास कंपीटिंग ऑफर है कि नहीं है. ठीक है, तो ये कभी भी स्टैंडर्ड नहीं होता SGE2 SGE3 का, इनकी रेंजेस होती हैं, एक रेंज के बाद वो दे नहीं सकते. एंड जो भी कॉम्पोनेंट्स है ना वो एक पर्टिकुलर रेशियो में डिवाइडेड होते हैं कि अगर तुम एक चीज़ को इंक्रीज करोगे तो दूसरा डिक्रीज हो जाएगा. तो वो उनके पास एक टोटल कंपनसेशन का बार है कि इतनी ही मैक्सिमम कंपनसेशन दे सकते हैं फॉर अ रोल. तो SGE2 के लिए 80-90 लाख तक जा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं जा सकते. इससे ज़्यादा जाने का ट्राई करोगे अगर बेस इंक्रीज करोगे तुम्हारे स्टॉक्स कम हो जाएंगे, अगर जॉइनिंग बोनस इंक्रीज करोगे तो बेस सैलरी कम हो जाएगी. तो वो एक रेशियो मेंटेन करके रखते हैं. जो SGE2 में मिनिमम अमेजोन में जो सैलरी मिल रही होती है पर मंथ दैट इज अराउंड 4.25 लाख, ये इंक्लूडिंग और जॉइनिंग बोनस है क्योंकि वो भी डिवाइडेड बाय 12 आता है, बेस सैलरी है. दिस इज द मिनिमम जो मेरे को मिला है इंटरनेट पे. इट इज़ पॉसिबल कि और भी कम हो बट नहीं होगा जनरली, क्योंकि जो SGE1 से SGE2 जब लाइक ट्रांजेक्शन करते हैं तो ऑलमोस्ट डबल हो जाता है. तो इसलिए ये तो है 15.5 से वो 30 प्लस तो जाएगा ही जाएगा, तो उसकी टेंशन बिल्कुल मत लेना. उसके बाद जो इसका मैक्सिमम बैंड है वो तुम्हारा 6 लाख रुपीज़ पर मंथ तक जाता है, 5.91 लाख रुपीज. अब लास्ट जो बचा है वो तुम्हारा SGE3 बचा है और SGE3 बनने के लिए बहुत 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 ज़्यादा टाइम लगता है. ये L6 इंजीनियर है अमेजोन में एंड इसमें अराउंड में 8-9 साल भी लग सकते हैं, 10 साल भी लग सकते हैं, 6-7 साल में भी लोग बन जाते हैं बट बहुत रेयर केस है. तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस के बाद ये वाली सैलरी अचीव कर रहे होते हैं लोग एंड मतलब किसी और कंपनी से आ रहे हैं तो उसमें भी इतना एक्सपीरियंस हो प्लस प्रीवियस कंपनसेशन इसके अराउंड हो, इसकी भी रेंजेस हैं. बट मेरे को इसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है, एक दो मेरे को जो मिले हैं उसके हिसाब से मैं तुम्हें बेसिक आइडिया दे देता हूँ कि यहाँ से ऊपर ही जा सकती है, थोड़ा बहुत नीचे होगा बट इससे ऊपर ही जाएगी. सो जो बेस सैलरी है वो अराउंड 80 लाख रुपीज़ पर मंथ है. ठीक है, ये 1 करोड़ 1.2 करोड़ तक भी जाती है एंड 60 लाख 65 लाख तक भी रहती है. तो दिस इज़ द SGE3 बेस सैलरी. इसके अलावा जो तुम्हें जॉइनिंग बोनस मिल सकता है 65 लाख रुपीज़ के अराउंड फर्स्ट ईयर में एंड 55 लाख रुपीज़ हमारे सेकंड ईयर में. ठीक है, वही ना बेस और तुम्हारे जॉइनिंग बोनस के कॉम्पनसेशन को ये रेशियो में डिवाइड करते हैं. अगर तुम्हारे बेस सैलरी बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देंगे और तुम्हारे राउंड्स अगर अच्छे गए होंगे तो थोड़ा सा जॉइनिंग बोनस कम कर देंगे ताकि जो तुम्हारा पर मंथ कॉम्पोनेंट है वो ऑलमोस्ट सेम रहे. तो यहाँ पर जो पर मंथ सैलरी आ रही होगी तुम्हारी 12 लाख रुपये है. ठीक है, बट दिस इज आफ्टर 8-9 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, दिस इज नॉट अ कॉलेज फ्रेशर सैलरी, ये हमेशा ध्यान रखना. एंड ये रिसेंटली ही इतनी ज़्यादा हुई है, रिसेंटली अमेजोन ने पूरा सैलरी स्ट्रक्चर चेंज किया था लास्ट कुछ 4-5 महीने पहले, इसलिए इतनी ज़्यादा इंक्रीज हो चुकी है, पहले इतनी नहीं थी. ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना. एंड फाइनली जो RSUs वाला कॉम्पोनेंट है वो SGE3 के लिए वो भी बहुत ज़्यादा होता है. तो दैट कैन गो फ्रॉम 80 लाख रुपीज़ टू 1.5 करोड़ रुपीज़. ठीक है, इसमें वही 5%, 15%, 40-40 होगा बट दिस इज व्हाट यू विल गेट व्हेन यू जॉइन एंड यही तुम्हारा पूरा सीन रहता है. इसके अलावा जब तुम एक
जब जब तुम्हें इंक्रीमेंट्स वगैरह मिलता है तो तुम्हारा 5% से 15% के बीच में इंक्रीमेंट वेरी कर सकता है। इस बार ही इंक्रीमेंट्स तुम्हें बहुत ज़्यादा मिले थे अमेजोन में, 30-30, 40-40% मिला था, 100-100% तक जो प्रमोशन हुए थे उनकी 100-150% तक सैलरी हाइक हुई थी। तो दैट इज़ अ डिफरेंट केस, बट जनरली 5-10%, 15% के आसपास ही होता है एनुअल इंक्रीमेंट। सो दिस वॉज द होल वीडियो। तुम कमेंट सेक्शन में अपनी ड्रीम कंपनी वगैरह बता सकते हो, उसके अलावा बता सकते हो कौन सी और कंपनी का हम यही ब्रेकडाउन करें, SG1, SG2, SG3। इसके बाद भी और लेवल्स होते हैं, levels.fyi पे तुम जाके चेकआउट कर सकते हो, प्रिंसिपल इंजीनियर होते हैं वो, फिर नेक्स्ट लेवल ही होता है सब कुछ। तो दिस इज द होल सीन। तो SG2 बनने के बाद, जब तुम्हें SG2 बनने का कुछ एक्सपीरियंस हो जाता है, तो लोग जनरली मैनेजेरियल पोजिशंस की तरफ मूव ऑन कर जाते हैं, तो उनका सैलरी स्ट्रक्चर वगैरह भी हम ला सकते हैं अगर तुम्हें चाहिए हो तो। बाकी दिस वॉज इट फॉर द वीडियो यार, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए।